आप देख रहे हैं दखल न्यूज। एक कार के ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा जाने के कारण एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना छतरपुर के सिविल लाइन्स इलाके में हुई। छतरपुर के सिविल लाइन्स थाना के रेलवे ब्रिज के पास एक दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। घटना उस समय हुई जब उत्तर प्रदेश के खरेला से एक कार बड़ा मलहरा जा रही थी। तभी रेलवे ब्रिज के पास अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते समय कार अनियंत्रित हो गई और ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। गाड़ी यहाँ राट तरफ से आ रही थी और भगवान के पास पटवारी जा रही थी, तो आगे ट्रैक्टर था तो इसने टेक ओवर किया, क्रॉसिंग कर रहा था तो ट्रॉली में पीछे से मार दी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद एम्बुलेंस को फ़ोन लगाए तो वो भी नहीं आए। फिर पुलिस को 100 नंबर को लगाए तो 6:03 पर फ़ोन लगाया, लेकिन लगभग 7 बजे यहाँ पर पुलिस की टीम आई। जब CM हेल्पलाइन पे फ़ोन किया, तो क्या लगता है कैसे मौत हुई है? अब उसमें हमको तो लगता है कि पहले तो वो व्यक्ति जिंदा था, लेकिन ये कर्मचारी आए तो शायद वो बच सकता था। वैन थी, खरेला डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से आ रहे थे, यहाँ पर एक बड़ा मुला था जहाँ पटवारी गाँव में ट्रैक्टर ट्रॉली थी, उससे एक्सीडेंट हुआ है। इसमें एक व्यक्ति खत्म हो गया है, 2-3 घायल हैं, घायलों को अस्पताल भिजवा दिया है। ट्रैक्टर ट्रॉली और मारुति वैन मौके पर है, मृतक को इस दुर्घटना में कार में सवार एक युवक की मौके पर मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर है। वहीं कार का ड्राइवर घटना के बाद फरार हो गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।